हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं थॉर के न्यू वेपन के बारे में जो कि कंफर्म हो चुका है, और आयरन मैन की न्यू टीम के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो में आगे काफी ज्यादा स्पॉइलर्स है। थॉर के न्यू वेपन के बारे में पहले से काफी ज्यादा थ्योरीज आई थी कि उसका न्यू वेपन एक्स होगा, और अब ये बात कंफर्म भी हो गई है। दोस्तों कुछ दिनों पहले एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के कैरेक्टर्स के न्यू टॉयज रिवील किए गए, और उनमें से एक थॉर का भी था। दोस्तों उसमें क्लियरली दिखाया गया है कि थॉर के पास उसका न्यू वेपन है जो कि थंडर एक्स है। दोस्तों ये थंडर एक्स थॉर के हैमर के बराबर तो पावरफुल नहीं है, लेकिन ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों रिसेंटली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड कुछ न्यू इमेजेस रिवील की गई, और उनमें से एक इमेज ये भी थी। दोस्तों आप इस इमेज में देख सकते हैं कि रॉकेट और ग्रूट थॉर के साथ हैं, और उनके पीछे वो मशीन भी है जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में दिखाई गई थी। तो दोस्तों इस सीन में हो ये रहा है कि थॉर अपना न्यू वेपन बना रहा है रॉकेट और ग्रूट की मदद से, और जैसा कि आप जानते हैं कि वो न्यू वेपन थॉर का थंडर एक्स है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं न्यू आयरन मैन की टीम की। तो दोस्तों जब रॉकेट और ग्रूट थॉर के साथ उसका न्यू वेपन बनाने चले जाएंगे, तो बाकी गार्डियंस अर्थ पर आएंगे आयरन मैन की मदद करने के लिए। दोस्तों इस इमेज में आयरन मैन का न्यू सूट भी रिवील कर दिया गया है जो कि काफी ज्यादा अलग है। दोस्तों आप इस सीन में थैनोस को भी देख सकते हैं, और अब वो इस सीन में क्या कर रहा है वो ज्यादा क्लियरली पता नहीं चल रहा, और अब वो मूवी के आने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के कुछ न्यू स्पॉयलर्स जो कि 100% कंफर्म्ड है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें।